वेलकम टू माय चैनल, आई एम विश्व। आज मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ अंगारेश्वर महादेव का भव्य और प्रसिद्ध मंदिर, जो कि हमारे गुजरात राज्य के वडोदरा जिले के सिनोर तालुका के मालसर गांव में स्थित है, जिसकी कई सारी दंत कथाएं हैं। अंगारेश्वर महादेव की स्थापना नहीं हुई है, यह लिंग स्वयं ही प्रकट हो गया है। शिव पुराण के अनुसार मंगल ने स्वयं इस स्थान पर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे और मंगलेश्वर नाम से वहां पे लिंग के रूप में प्रकट हो गए। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के कुछ वर्ष यहीं बिताए थे। इस मंदिर का सभागृह मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था, जो हिंदू धर्म के विरोधी और मूर्ति विध्वंसक थे। उसने पूरे भारत में मूर्तियों को नष्ट करना शुरू कर दिया। वह मंदिरों को नष्ट करने के लिए गुजरात भी आया था, लेकिन इस मंदिर में आते ही उनके होश उड़ गए। जब औरंगजेब गुजरात आया, तब वह मंदिर से 2 किलोमीटर दूर गजेब बाबा प्यारे सुखी संत फकीर की शरण ली और बाबा ने उसे समझाया कि यह मंदिर को लूटने मत जाओ। लेकिन अभिमानी औरंगजेब ने बाबा प्यारे की बात नहीं मानी और उसने अपनी सेना मंदिर तोड़ने के लिए भेज दी। जब औरंगजेब मंदिर को गिराने आया, तो अचानक मंदिर से आग बरसने लगी और वह आग सेना के तंबू में भी लग गई। वहां से सेना को भागना पड़ा। यह सब होने के बाद औरंगजेब वापस बाबा प्यारे के पास जाते हैं और उनको यह सब कुछ बताते हैं। फिर बाबा बताते हैं कि आप भगवान शिव से माफी मांगिए। उसके बाद औरंगजेब ने राजस्थान से नंदी मंगवाया और वैदिक मंत्रों का जाप करके उस नंदी को यह मंदिर में स्थापित किया। राजा औरंगजेब ने मंदिर के पिछले हिस्से में मस्जिद जैसा गेट बनवाया, जिसका मकसद मेरे जाने के बाद मंदिर को कोई नुकसान न हो, वह था। औरंगजेब मंदिर में प्रवेश नहीं कर सका, इसलिए उसने मंदिर की पिछली दीवार में लगभग 3 फीट का एक हिस्सा काट दिया और उसे एक छोटी मस्जिद का आकार दे दिया, जिसे आज भी देखा जा सकता है और आप लोग यह भी देख रहे हो। इस प्रकार इस मंदिर को पूरे भारत में अंगारेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, आप भी इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आइए। अब जब इस मंदिर में आएंगे तो मैंने आपको जो भी बात बताई वह सब इस बोर्ड पे लिखी मिलेगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।